So today we'll discuss the types of muscles. Okay. In the previous class we have discussed that muscle always work in pair. हमारी जो muscles हैं वो pair में काम करती हैं contraction और relaxation के principle पर. ठीक है, muscles हमेशा pair में काम करती हैं, एक contract होगी और एक relax होगी. There are three kinds of muscles in the human body. तीन तरह की muscles होती हैं, skeletal, smooth and cardiac muscle. Okay, I'm repeating. तीन तरह की muscles होती हैं, skeletal muscle, smooth muscle और cardiac muscles. Skeletal muscles are attached to the bones in the legs, arms, abdomen, chest and neck. हमारी जो skeletal muscles होती हैं वो legs में, आर्म में, एब्डोमेन में यानी कि पेट में, चेस्ट में और नेक में होती हैं. दे होल्ड द स्केलेटन टुगेदर. ये हमारी बॉडी का जो स्केलेटन है इसे आपस में जोड़ कर रखती हैं. हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि हमारी जो बोन्स होती हैं दे आर अटैच विद द मसल्स. द बोन्स आर अटैच विद द मसल टू इनेबल अस टू मूव. हमारी कोई भी मूवमेंट होती है बॉडी में इट इज़ बिकॉज बोन्स आर मसल, दे आर वर्किंग टुगेदर. सो हमारी स्केलेटल मसल होती हैं वो हमारे स्केलेटन के साथ जुड़ी हुई होती हैं, हाथ पैरों के साथ, पेट के साथ, चेस्ट के साथ. ये हमारी बॉडी को शेप देती हैं. ठीक है, शेप देने में हेल्प करती हैं. दे आर ऑल्सो कॉल्ड वॉलेंट्री मसल. इनको वॉलेंट्री मसल भी कहा जाता है. ठीक है, देयर मूवमेंट इज कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन. वॉलेंट्री मसल्स वो होती हैं जिनको ब्रेन मूव करता है. दे कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट क्विकली. ये एकदम से क्विकली अपने आप कॉन्ट्रैक्ट या मूव नहीं करती. एक्चुअली वॉलेंट्री मसल वो होती हैं जिनको मूव करने के लिए ब्रेन इंस्ट्रक्शन देता है. ठीक है, जैसे कि हमारे हाथ और पैर. हमारे हाथ, हमारे पैर तब मूव करेंगे जब हमारा ब्रेन उन्हें इंस्ट्रक्शन देगा. क्या ऐसा होता है कि बैठे बैठे हम अपने आप चलने लगे? नो. जब हम उठना चाहेंगे हमारे हाथ और पैर तभी मूव करते हैं. जब हम लिखते हैं हमें कौन सा अल्फ़ाबेट लिखना है, ठीक है, कौन सा अल्फ़ाबेट लिखना है, क्या हम ड्रॉ करना चाहते हैं, तो जैसे इंस्ट्रक्शन ब्रेन हमारा हमारे हाथ और पैरों को देता है, मसल्स को देता है, वैसे ही मसल्स मूव करती हैं. सो स्केलेटल मसल दे आर अटैच विद द स्केलेटन. हमारे शरीर के साथ अटैच्ड होती हैं और ये वॉलेंट्री होती हैं यानी कि इनको इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होती है, ये अपने आप काम नहीं करती. स्मूथ मसल दे आर फाउंड इन द वॉल ऑफ स्टमक. स्मूथ मसल जो होती हैं वो हमारे पेट में, इंटेस्टाइन में, ब्लड वेसल्स में, यहाँ पर होती हैं. दे हेल्प मूव फूड थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम. हमारी जो स्मूथ मसल्स होती हैं वो हमारे खाने को मूव करती हैं. हमारा खाना जब शरीर के अंदर जाता है इट्स नॉट स्टिक टू वन प्लेस, इट मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. ये अलग अलग जगह मूव करता है. ठीक है, स्मूथ मसल टेक लॉन्गर टू कॉन्ट्रैक्ट देन स्केलेटल मसल. स्मूथ मसल जो होती हैं जब ये मूव करती हैं तो ये स्केलेटल मसल से ज़्यादा समय लेती हैं. दे आर ऑल्सो कॉल्ड इनवॉलेंट्री मसल. इनको इनवॉलेंट्री मसल कहते हैं क्योंकि ये जो हैं दे आर ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड बाय द नर्वस सिस्टम. ये जो मसल्स हैं स्मूथ मसल, ये चलने से पहले हमारी परमिशन नहीं लेती. खाना डाइजेस्ट होगा ही होगा, वेदर यू वॉन्ट इट और डोंट वॉन्ट इट. क्या खाना हमारी मर्जी से डाइजेस्ट होता है? नो. वट एवर यू ईट, आप जो भी खाएं, ठीक है, आपका हाथ तब मूव करेगा व्हेन यू वॉन्ट इट. लेकिन जब आपने खाना, हमारी जो इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं दे डोंट रिक्वायर आर परमिशन. हार्ट बीट करता है, ठीक है, हमारा जो हार्ट है वो बीट करता है, ब्लड को सर्कुलेट करता है. डज इट सीक परमिशन बिफोर टर्निंग ऑन एंड टर्निंग ऑफ? नो. इट कॉन्स्टेंटली वर्क. ओके, ऐसे ही हमारा डाइजेशन है, हमारी जो स्मूथ मसल है हमारे पेट में, हमारे इंटेस्टाइन में, दे कीप ऑन वर्किंग एंड दे डोंट नीड परमिशन. ये नर्वस सिस्टम के इंस्ट्रक्शन से चलती हैं, इन्हें हमारे पर्सनल इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं है. ठीक है ना, जब आप चलते हैं तो आप धीरे मूव करते हैं, अगर आप दौड़ना चाहते हैं तो आप अपने पैरों को तेज़ तेज़ मूव करते हैं, वो इंस्ट्रक्शन आप देते हैं. सो जो इंस्ट्रक्शन आप देते हैं
वो मसल्स जो हमारी परमिशन से चलती हैं वो वॉलेंट्री, जो हमारी इच्छा के बिना चलती हैं, जिन्हें हमारी परमिशन की ज़रूरत नहीं है, दोज आर इनवॉलेंट्री मसल, जैसे कि हार्ट एंड इंटेस्टाइन, और इनको स्मूथ मसल भी कहते हैं। कार्डियक मसल, कार्डियक मसल आर फाउंड इन द हार्ट। कार्डियक मसल जो होती हैं ये हार्ट में पाई जाती हैं, ठीक है। दे आर ऑल्सो इनवॉलेंट्री मसल, ये भी क्या हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स हैं। दे आर ऑल्सो इनवॉलेंट्री मसल, दे रेगुलर स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन फोर्स ब्लड आउट ऑफ द हार्ट एज इट बीट्स। तो हमारी जो कार्डिक मसल होती हैं ये हार्ट में पाई जाती हैं, ठीक है, और ये भी अपने आप काम करती हैं। दे आर ऑल्सो इनवॉलेंट्री, ठीक है, हार्ट अपने आप बीट करता है ना। इनकी जो कॉन्ट्रैक्शन होती है यानी इनमें जो खिंचाव होता है उसी की वजह से हमें बीटिंग महसूस होती है, ठीक है। जब हम टच करते हैं, डॉक्टर हमारी हार्ट बीट चेक करता है, वी कैन ऑल्सो यू नो सेंस आर बीटिंग। हम अपने अगर चेस्ट पर हाथ रखें तो हमें भी अपनी बीटिंग सेंस होती है ना। ये जो बीट है, जो हार्ट की बीट है, ये कहाँ से आ रही है, इट इज़ फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्शन। जो हमारे हार्ट की मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, बार बार इकट्ठी हो रही हैं, एंड दे आर पम्पिंग आउट ब्लड, एंड दीज मसल आर ऑल्सो इनवॉलेंट्री। हमारा हार्ट काम करने से पहले हमसे परमिशन नहीं लेता, इट कॉन्स्टेंटली वर्क, सो दीज मसल आर ऑल्सो इनवॉलेंट्री। सो लेट मी समराइज दीज थ्री मसल्स अगैन फॉर यू। स्केलेटल मसल, जो कि स्केलेटन सिस्टम के साथ अटैच्ड होती हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज वॉलेंट्री, ठीक है, इनको वॉलेंट्री मसल्स भी कहा जाता है, ठीक है। स्मूथ मसल्स, ये इंटेस्टाइन में होती हैं, स्टमक में होती हैं, दे आर नोन एज इनवॉलेंट्री मसल बिकॉज दे वर्क ऑन देयर ओन, दे वर्क ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द नर्वस सिस्टम। कार्डियक मसल, दे आर फाउंड इन हार्ट, दे आर ऑल्सो इनवॉलेंट्री मसल। ये क्या होती हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं, ओके, एंड देयर कॉन्ट्रैक्शन, इनके अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो बीटिंग हमें महसूस होती है हमारे हार्ट में, वो उसकी वजह से क्या होता है, ब्लड जो है हमारा पंप होता है पूरी बॉडी में। नाउ बैक एक्सरसाइज, आई एम डिस्कसिंग द बैक एक्सरसाइज, सोल्यूशन विल बी सेंड टू यू। मार्क द फॉलोइंग बोन्स ऑन द ह्यूमन स्केलेटन, यहाँ पर हमें ह्यूमन स्केलेटन में सारी बोन्स हमें मार्क करनी है जो भी दी हुई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव स्कल विच प्रोटेक्ट द ब्रेन, देन लोअर जॉ, द डैगर शेप बोन, इट्स स्टर्नम, 12 पेयर ऑफ बोन्स, दीज आर रिब्स, देन बैक बोन ऑल्सो नोन एज वर्टीब्रा, ओके, द बोन इन द आर्म, इन द लोअर पार्ट ऑफ द आर्म इट्स उल्ना, एंड द लॉन्गेस्ट बोन विच इज़ प्रेजेंट इन थाई, इट इज फीमर। द स्केलेटल सिस्टम प्रोवाइड द बॉडी विद डैश एंड डैश। स्केलेटल सिस्टम क्या करता है बॉडी में, इट गिव शेप एंड फॉर्म टू द बॉडी, गुड। नेक्स्ट, डैश एंड डैश आर मिनरल विच आर स्टोर्ड इन बोन। हमारी बोन्स में कौन कौन से मिनरल स्टोर्ड होते हैं, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, दे आर स्टोर्ड इन द बोन्स। ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस बाय द बोन मैरो। हमारे जो ब्लड सेल हैं वो किससे बनते हैं, बोन मैरो से, एंड वॉट इज बोन मैरो, इट इज़ द लिक्विड दैट इज प्रेजेंट इन साइड द बोन। हिंज जॉइंट अलाउ मूवमेंट ओनली इन वन डायरेक्शन, हिंज जॉइंट केवल एक डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करता है। मसल हेल्प्स मूवमेंट बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सिंग। मसल्स कैसे काम करती हैं, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के प्रिंसिपल पर। कॉन्ट्रैक्ट होना होता है इकट्ठा होना, रिलैक्स होना होता है खुल जाना, ठीक है। सो मसल्स काम करती हैं कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के प्रिंसिपल पर, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और रिलैक्स होती हैं, ठीक है।